हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। नेम द स्टेट हु रिसेंटली डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल्ड वेस्ट टू एनर्जी। इसका मतलब है उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसने कचरे को बिजली में बदलने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। विच इंडियन फीमेल इज अपॉइंटेड एज एन ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स। तो इसका मतलब है किस भारतीय महिला को ब्रिक्स के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है किरण बेदी, दूसरा है अरुणा सुंदरराजन, तीसरा है दुर्गा शक्ति नागपाल या फिर टीना डाबी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टीना डाबी। और ये है आईएएस ऑफिसर टीना डाबी की पिक्चर। और मैं आपको बता दूं कि ये 2016 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की टॉपर रह चुकी हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो है 2020 से लेकर 2023 तक। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द फेडरल बैंक। यानी कि इनमें से किसका फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, यानी कि इनका हुआ है रीअपॉइंटमेंट। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है वी वैद्यनाथन, दूसरा है श्याम श्रीनिवासन, और तीसरा है रोमेश सोपती, और लास्ट है अमिताभ चौधरी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्याम श्रीनिवासन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर श्याम श्रीनिवासन, जिनको एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि आरबीआई जो है बेसिकली डिसाइड करता है कि किसको एमडी या फिर सीईओ नियुक्त करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरल बैंक लोकेटेड। इसका मतलब है आपको बताना है कि फेडरल बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला या फिर उड़ीसा। तो जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके बारे में न्यूज में आया है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किसको फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इसका मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। रिसेंटली एन एमिनेंट मैथमेटिशियन इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री पासेज अवे। इसका मतलब है बीजगणितीय ज्यामिति में एक प्रख्यात गणितज्ञ का निधन हुआ है, उनका आपको नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है हरीशचंद्रा, दूसरा है सीएस शेषाद्री, तीसरा है नरेंद्र करमारकर और लास्ट है शकुंतला देवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीएस शेषाद्री। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर सीएस शेषाद्री, और इनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही खेद व्यक्त किया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने महान थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। द आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। इसका मतलब है पाकिस्तान में आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, इंदस, चेनाब, सतलुज या फिर झेलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झेलम। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी होगी 700.7 मेगावाट, और इसकी लोकेशन है एट रिवर झेलम, और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की संभावना है 2026 तक, और इसकी जो कॉस्ट है वो है $1.5 बिलियन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। पैरा एथलीट रमेश टीकाराम हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच गेम। इसका मतलब है पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग या फिर जेवलिन थ्रो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर रमेश टीकाराम,
जो कि भारत के लिए खेल चुके हैं और ये रह चुके हैं फॉर्मर स्टार पैरा बैडमिंटन प्लेयर, और इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। आप देख सकते हैं 2002 में इनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। और इनकी जो डेथ हुई है उसका रीजन है कोरोना वायरस, और इनकी उम्र थी 51। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 से 2015 के बीच 10 वर्षों की अवधि में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। देश में इस अवधि के दौरान कितने लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 280 मिलियन, 230 मिलियन, 253 मिलियन या फिर 273 मिलियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 273 मिलियन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है ये की गई है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ओपीएचआई और यूनाइटेड स्टेट की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंडियन रेलवेज इज सेट टू कनेक्ट ऑल द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। इसका मतलब है भारतीय रेलवे भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तैयार है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2027, 2024, 2023 या फिर 2025। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2023। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर वीके यादव, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2023 तक नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनको रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थर्ड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We'll be right back.